मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेहद भावुक नजर आए। सीहोर में मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के लाभार्थियों के बीच पहुंचे थे। इस दौरान शिवराज सिंह ने रैली के आखिर में कहा कि ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। शिवराज सिंह ने कहा, मैं इंसान नहीं सामाजिक क्रांति हूं। मैंने हर परिवार के हर शख्स को रोजगार दिया। मैं सरकार नहीं एक परिवार चला रहा। सीएम शिवराज सिंह के इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदल दी। हमारे गरीब भाई बहनों, किसान भाई बहनों, आपने वर्षों तक यह घटना मेरे साथ बताओ, कभी जनता की ऐसी चिंता होती थी क्या? बोल का बताओ होती थी क्या? अरे मैं कोई सरकार छोटी चलाता हूं, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार आप सब मेरे परिवार हैं, परिवार है। अगर आप बताओ ईमानदारी से, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? दोस्त बताओ, मारा तो मामा हूं। राजनीति और जनता की सेवा के लिए राजनीति। बताओ मेरी बहनों, कोई ये सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब भैया सीधे खाते में पैसा डालेगा? बोलो, कोई ये सोचा था क्या? अरे दिल से बताओ, सोचा था क्या कभी?